वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लेक्चर 7 है मैथमेटिकल लॉजिक का। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से, ठीक है। तो हमें बोला है कि ट्रूथ टेबल हमें बनाना है, ठीक है। तो हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल बनाने के पहले आपको कुछ रूल्स है, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको एंड आता है तो एंड के अंदर दोनों ट्रू रहेंगे तो क्या होगा, ट्रू होगा। इतना आपको ध्यान रखना। अगर एंड आए पी एंड क्यू या कुछ भी, तो आपको दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू रखना है। और के अंदर अगर दोनों फॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, और के अंदर दोनों फॉल्स आते हैं तो फॉल्स। एंड का क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, और के अंदर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। और इफ एल्स के अंदर अगर सिंगल इम्प्लीकेशन आता है तो उसमें अगर ट्रू से फॉल्स में जा रहा है, ट्रू से फॉल्स में जा रहा है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। इफ सिंगल इम्प्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ट्रू से फॉल्स में जा रहा है तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारी वैल्यू आपकी ट्रू आएगी। और डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, दोनों वैल्यू सेम है, अगर दोनों ट्रू है या फिर दोनों फॉल्स है तो ही ट्रू आएगा। यानी कि दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, ट्रू ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स फॉल्स होना चाहिए, तभी हमारा ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और निगेशन यानी कि उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। P implies Q, ब्रैकेट के अंदर है एंड Q, फिर ब्रैकेट के अंदर सिंगल इम्प्लीकेशन ऑफ P। तो इसको किस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट करना है, देखिए। सबसे पहले आपको जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखे, जैसे कि P, Q कितने हैं वो देखना है। तो इसमें हमारे पास P, Q दो स्टेटमेंट है। तो देखिए, P मैंने एक लिखा फिर Q लिखा, ठीक है, इसमें निगेशन नहीं है तो नहीं लिखूंगा। तो पहले हम देखेंगे P, Q। तो P, Q तो मैंने P लिखा, Q लिखा, उसके बाद पहले वाला ब्रैकेट लिखा P implies Q, पहले वाला ब्रैकेट लिख दिया, उसके बाद पूरा ये लिख दूंगा, ये लिख दिया, उसके बाद पूरा ये वाला लिख दूंगा। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, इस तरह से आपको मैनेज करना है टेबल को। उसके बाद देखूंगा पी क्यू दो स्टेटमेंट है तो मेरे को दो ट्रू लेना है, दो फॉल्स लेना है। तो यहाँ पर लिखिए ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ओके। उसके बाद क्यू के अंदर क्या होता है, पी का आधा हो जाता है तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये तो अभी तक सबको आ गया होगा, मैंने 2-3 वीडियो बनाई है ट्रूथ टेबल ट्रिक की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए, ठीक है, इतना तो सबको आना चाहिए अभी तक। फिर है पी इम्प्लाइज क्यू। तो पी इम्प्लाइज क्यू का रूल क्या था, जब ट्रू से फॉल्स में जाता है, जब ट्रू से फॉल्स में जाता है तो फॉल्स होता है, अदरवाइज सारी वैल्यू ट्रू होती है। तो इसमें हम देखेंगे ट्रू से फॉल्स में कौन सी वैल्यू जा रही है। तो देखिए, ट्रू से फॉल्स ये जा रहा है तो फॉल्स होगा, बाकी कोई नहीं जा रहा है तो हम आग बंद करके ट्रू लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए P implies Q, ये वाला, और AND Q, ये Q, इनके बीच में क्या होगा, AND ऑपरेशन परफॉर्म होगा। क्या होगा, AND ऑपरेशन परफॉर्म होगा। AND के अंदर क्या होता है, दोनों ट्रू रहता है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए, दोनों ट्रू है ट्रू, बाकी ये दोनों ट्रू है ट्रू, बाकी कहीं पे भी नहीं है तो आग बंद करके क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे। नेक्स्ट है P implies Q AND Q, ये वाला, और सिंगल इम्प्लीकेशन ऑफ P, ये। तो देखिए, इसमें आपको उल्टा दिखाई दे सकता है, पहले ये वाला है, ये वाला, उसके बाद पी है, ठीक है, उसके बाद पी है। आप इस तरह से मत कर देना, ट्रू से फॉल्स जा रहा है तो आपको पी उसके बाद लिखना है। जैसे कि पहले कंडीशन हम ये देखेंगे, बाद में वो देखेंगे, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। तो पहले हम देखेंगे ये वाला। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, ट्रू से फॉल्स में जो वैल्यू जा रही है वो देख लेते हैं। तो ट्रू से फॉल्स जा रहा है कोई, ट्रू से फॉल्स जा रहा है, देखिए ट्रू से फॉल्स जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या है, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू। तो ये था, इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छे से आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, पी एंड निगेशन क्यू, डबल इम्प्लीकेशन पी, सिंगल इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू, सेम आपको करना है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्यू निगेशन क्यों है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, तो फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। फिर देखिए P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q, इसके और इसके बीच में एंड ऑपरेशन होगा तो दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू, दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो ये हो गया फॉल्स। फिर P implies Q, इसके और इसके बीच में इम्प्लीकेशन आएगा। देखिए P implies Q के अंदर क्या होता है, ट्रू से फॉल्स में जा रहा है तो फॉल्स होगा, तो ट्रू से फॉल्स जा रहा है कोई, ट्रू से फॉल्स ये वाला जा रहा है तो ये हो जाएगा फॉल्स, बाकी सब ट्रू, ओके। फिर है P एंड निगेशन Q, ये वाला, और P implies Q, ये वाला, इनके बीच में डबल इम्प्लीकेशन परफॉर्म हो रहा है। डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू आएगा। देखिए दोनों वैल्यू ट्रू है, दोनों वैल्यू फॉल्स कहीं पे दिखाई दे रही है, नहीं, ये फॉल्स ट्रू, ये ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू है, तो क्या आएगा, सब जगह फॉल्स आएगा।
ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, पी एंड क्यू, डबल इंप्लीकेशन क्यू और आर। इसमें देखिए पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट आए, तो तीन स्टेटमेंट के लिए पी क्यू आर लिखा, फिर ये वाला पी एंड क्यू लिखा, फिर क्यू आर लिखा, फिर पूरे को लिख दिया। इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। तीन है तो तीन के लिए क्या होता है, चार ट्रू चार फॉल्स, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है, चार बार ट्रू चार बार फॉल्स। इसमें क्या आएगा, दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, तो एक दो एक दो, एक दो एक दो। इसमें क्या आएगा, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी देखिए पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के अंदर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू दोनों ट्रू दोनों ट्रू नहीं है, बाकी सब क्या आएंगे, फॉल्स होंगे, ठीक है। फिर है क्यू और आर, क्यू और आर के अंदर और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और के अंदर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर है, दोनों फॉल्स दोनों फॉल्स दोनों फॉल्स यहाँ पर, बाकी सब ट्रू, ठीक है। अभी देखिए P एंड Q ये वाला और Q और R ये वाला, इसके इसमें डबल इम्प्लीकेशन सॉल्व हो रहा है, तो डबल इम्प्लीकेशन में दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, तो ट्रू ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, और दोनों फॉल्स है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो हमारा वैल्यू आया ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हमारा फॉल्स और ये फॉल्स ये ट्रू, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है P इम्प्लीकेशन ब्रैकेट के अंदर निगेशन, फिर ब्रैकेट के अंदर Q एंड R, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो P लिखेंगे, तीन है P Q R आएंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे, उसके बाद ये निगेशन वाला पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, फिर ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे। तीन है तो क्या होगा, चार ट्रू चार फॉल्स, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसमें दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, इसके अंदर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसके अंदर क्यू एंड आर, क्यू और आर के अंदर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एंड यानी कि दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, ठीक है। फिर है निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, यानी कि इसका उल्टा, तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। फिर पी ये वाला इम्प्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, इसके और इसके बीच में क्या होगा, सिंगल इम्प्लीकेशन, तो ट्रू से फॉल्स में जा रहा है तो फॉल्स, देखिए ट्रू से फॉल्स जा रहा है फॉल्स, ट्रू से ट्रू नहीं, ट्रू से ट्रू नहीं, ट्रू से ट्रू नहीं, ट्रू से फॉल्स को नहीं जा रहा, बाकी सब आएंगे ट्रू, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए, फॉल्स, बाकी सब क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, निगेशन पी एंड ब्रैकेट के अंदर, फिर एक और ब्रैकेट पी और निगेशन क्यू एंड क्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें देखिए पी क्यू दो स्टेटमेंट है, तो पी क्यू लिखा, उसके बाद निगेशन पी लिखेंगे, निगेशन भी है तो निगेशन का भी हमें लिखना पड़ेगा अलग से, तो निगेशन पी लिखा, फिर निगेशन क्यू लिखा, फिर ये वाला ब्रैकेट पी एंड पी और निगेशन क्यू, फिर ये पूरा वाला ब्रैकेट, फिर ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है। दो तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन ऑफ पी, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, मतलब इसका उल्टा, अभी निगेशन क्यू क्यू का उल्टा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। फिर पी और निगेशन क्यू, यानी कि पी में और निगेशन क्यू, ये निगेशन क्यू यहाँ पर है, पी और निगेशन क्यू में क्या होगा, और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और यानी कि दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो दोनों फॉल्स देखेंगे कहाँ पर है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पी और निगेशन क्यू, ये वाला और क्यू ये वाला, इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्मर है, पी और निगेशन क्यू एंड के अंदर और क्यू के अंदर एंड ऑपरेशन, एंड के अंदर दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू बस, बाकी सब फॉल्स। नेक्स्ट है निगेशन पी, निगेशन पी कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। एंड ऑपरेशन परफॉर्म किसके अंदर होगा, पी और इसके अंदर, ठीक है, इसके पी निगेशन पी और इसके अंदर क्या होगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो दोनों ट्रू चेक कर लेते पहले, दोनों ट्रू कहीं पे भी नहीं है तो सारे फॉल्स आ जाएंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है निगेशन पी इम्प्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू, फिर एंड निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन ऑफ निगेशन पी। तो देखिए इसमें सब निगेशन ही निगेशन है,
ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे इतने P है, Q है, R है, तो इसमें P Q दिखाई दे रहा है तो P Q लिख लीजिए, निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन P, निगेशन Q, फिर उसके बाद ये वाला ब्रेकेट, फिर ये वाला ब्रेकेट, फिर पूरा वाला ब्रेकेट, ठीक है। छोटा छोटा सॉल्व करना चाहिए। पी क्यू है तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यहाँ पर तो किसी को दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। नेगेशन पी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ये तो कोई भी बच्चा भी कर लेगा इसको, तो ठीक है। फिर है नेगेशन पी इम्प्लीकेशन ऑफ नेगेशन क्यू, यानी कि इसमें और इसके बीच में इम्प्लीकेशन होगा, यानी कि ट्रू से फॉल्स जा रहा है तो फॉल्स, ट्रू से फॉल्स ये जा रहा है तो फॉल्स, बाकी सब क्या आएंगे ट्रू आएंगे, ठीक है। फिर है नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, और नेगेशन पी कहाँ पर है, यहाँ पर, इसके बीच में क्या होगा सिंगल इम्प्लीकेशन। अभी आप ध्यान से देखिएगा, पहले क्या पूछा है लोग ने, नेगेशन पी से इम्प्लीकेशन हो रहा है नेगेशन क्यू का, फिर क्या पूछ रहे हैं लोग, नेगेशन क्यू से इम्प्लीकेशन हो नेगेशन पी, तो हमने इसमें क्या देखा ट्रू से फॉल्स जा रहा है। अब इसमें क्या देखेंगे, यहाँ से ट्रू से फॉल्स जा रहा है, देखिए यहाँ से ट्रू से फॉल्स ये जा रहा है तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि नेगेशन क्यू को पहले रखना हमें, तो नेगेशन क्यू हमारा यहाँ पर है और नेगेशन पी यहाँ पर, तो यहाँ से हम यहाँ पर जाएंगे तो ट्रू से फॉल्स ये जा रहा है तो ये फॉल्स हो गया, बाकी सब नहीं जा रहे तो बाकी सब क्या आएंगे ट्रू आएंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के करना होगा। फिर नेगेशन पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू और पूरा ब्रैकेट, मतलब इसके और इसके बीच में एंड ऑपरेशन, एंड यानी कि दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। नेक्स्ट है ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट के अंदर है क्यू इम्प्लीकेशन ऑफ पी, दूसरा ब्रैकेट के अंदर है नेगेशन पी डबल इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू। तो देखिए पहले पी क्यू है तो पी क्यू लिखा, निगेशन पी है तो निगेशन पी, निगेशन क्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर है नहीं तो खाली फोकड़ में नहीं लिखने का। फिर ये वाला ब्रैकेट लिखा, फिर पूरा ब्रैकेट यहाँ पर लिख दिया तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, पी है तो पी का उल्टा कर दो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। फिर देखिए क्यू इम्प्लीकेशन ऑफ पी, यानी कि क्यू इम्प्लाइज पी, तो यहाँ से इसको देखेंगे तो ट्रू से फॉल्स ये जा रहा है, बाकी सब ट्रू, ठीक है। फिर नेगेशन पी कहाँ पर है, यहाँ पर है डबल इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू, इसमें इसमें और इसमें डबल इम्प्लीकेशन होगा, डबल इम्प्लीकेशन यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आएगा। फिर इसके अंदर और इसके अंदर क्या होगा और ऑपरेशन, तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स दिखाई दे रहे नहीं दिखा रहे दे रहे तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है दो ब्रैकेट है, फर्स्ट के अंदर देखिए पी इम्प्लाइज, फिर उसके अंदर भी ब्रैकेट क्यू इम्प्लाइज आर, फिर डबल इम्प्लीकेशन ऑफ पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, इसमें देखिए पी क्यू आर है तो पी क्यू आर लिख लिया, फिर क्यू इम्प्लाइज आर ये वाला ब्रैकेट लिखा, फिर ये पूरा वाला ब्रैकेट लिख लिया, फिर पी एंड क्यू लिखा, फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख लिया, तो यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने इस पूरे को लेट किया है एक्स, क्या लेट किया है एक्स, तो यहाँ पर आप एक्स लिख दिए, ठीक है, सभी लिख सकते हैं, मैंने पूरे को लेट कर लिया ना एक्स, तो एक्स लिख दिया वहाँ पर। तो पी क्यू आर है तो चार ट्रू चार फॉल्स, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसमें एक दो एक दो एक दो एक दो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसमें आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। फिर क्या है क्यू इम्प्लाइज आर, क्यू इम्प्लाइज आर, तो इसमें देखेंगे ट्रू से फॉल्स जा रहा है ये जा रहा है, ट्रू से फॉल्स और ये जा रहा है, और कोई जा रहा है नहीं जा रहा है, तो बाकी सब ट्रू। इस तरह से अगर आप करोगे तो फास्ट होगा आपका और ना ही कोई कन्फ्यूजिंग होगा, ठीक है। फिर अब पी इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज आर, यानी कि इसका और पी का इम्प्लीकेशन होगा, तो पी से इस पे, तो ट्रू से फॉल्स कोई जा रहा है, ट्रू से फॉल्स ये जा रहा है, ट्रू से फॉल्स ट्रू से फॉल्स ट्रू से कोई नहीं जा रहा, बाकी सब ट्रू। देखिए कितने फटाफट होता है जब हमरे को सब मालूम रहता है कि किसका क्या है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में एंड ऑपरेशन, तो ट्रू ट्रू है तो ट्रू, ट्रू ट्रू है तो ट्रू, बाकी ट्रू ट्रू दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा तो सब क्या आ जाएंगे फॉल्स आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर है पी एंड क्यू, इसके बीच में और इम्प्लाइज आर, देखिए इसके और इसके बीच में इम्प्लीकेशन होगा, तो देखिए पहले पी एंड क्यू आएगा उसके बाद आर आएगा, तो पी से पी एंड क्यू से आर में जाना है तो ट्रू से फॉल्स देखेंगे, यहाँ से ट्रू पकड़ेंगे और यहाँ से फॉल्स पकड़ेंगे, देखिए ट्रू से फॉल्स ये जा रहा है तो ये हो गया फॉल्स, और ट्रू से फॉल्स कोई जा रहा है नहीं जा रहे हैं, देखिए तो आ गया ट्रू, बाकी सब क्या हो गए ट्रू हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स, एक्स क्या हमारा ये वाला,
यानी कि पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, यानी कि ये वाला ब्रैकेट और पी एंड क्यू ये वाला ब्रैकेट, इसके बीच में डबल इम्प्लीकेशन। तो ट्रू ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, दोनों ट्रू 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 है तो ट्रू, तो सारी वैल्यू ट्रू आ गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी इम्प्लाइज ब्रैकेट के अंदर निगेशन ऑफ क्यू एंड आर ब्रैकेट क्लोज। तीन है तो पी क्यू आर लिखा, फिर ये वाला ब्रैकेट लिखा, फिर उसका निगेशन का ब्रैकेट लिखा, फिर पूरे क्वेश्चन को लिख दिया। आर है तो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, इसमें ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये आ गया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में एंड ऑपरेशन, तो ट्रू ट्रू है तो ट्रू, ट्रू 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 है तो ट्रू, बाकी नहीं है तो सब फॉल्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर है निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, इसका निगेशन कर दो, उल्टा कर दो, ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू, ये हो गया फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू। फिर पी इम्प्लाइज, पी और इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, मतलब पी और इसके बीच में निगेशन इम्प्लाइज होगा, तो ट्रू से फॉल्स जा रहा है तो फॉल्स, और ट्रू से फॉल्स कौन जा रहा है, ट्रू से फॉल्स, ट्रू से फॉल्स, बाकी बस बाकी सब ट्रू डाल दो, ठीक है। कितना इजी है जब आपको सारे कॉन्सेप्ट मालूम रहते हैं चैप्टर के। तो इसका आंसर आया देखिए फॉल्स, बाकी सब वैल्यू आएगी आपकी ट्रू, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, पी और निगेशन क्यू, फिर है आर एंड पी। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए पी लिखना है, क्यू लिखना है, आर लिखना है, ठीक है, आर तक है ना। फिर देखिए निगेशन पी है नहीं, निगेशन क्यू है, तो निगेशन क्यू लिखो, उसके बाद ये वाला पूरा ब्रैकेट लिखो पी और निगेशन क्यू, फिर ये वाला ब्रैकेट लिखो आर एंड पी, फिर पूरा ब्रैकेट लिख दो, ठीक है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ एक्स, तो पूरा ब्रैकेट लिख दिया। अभी देखिए आपको सबको मालूम है तीन है तो चार बार ट्रू चार बार फॉल्स आएगा, इसमें दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्यू यानी कि क्यू का उल्टा कर दो, क्यू मतलब निगेशन क्यू यानी कि इस क्यू का उल्टा कर दो, फिर पी और निगेशन क्यू, पी और निगेशन क्यू के बीच में आपको और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और आर एंड पी के अंदर आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर इसका और इसका आपको सिंगल इम्प्लीकेशन करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। आप खुद से करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट आता है तो मुझे बताइए कमेंट करके, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको होमवर्क लेके इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर वन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।